मैं कम से कम यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ, 15 साल से रोड बना नहीं है अभी तक, और काफ़ी उसमें बहुत दिक्कतें होती है हमारे को आने जाने के लिए। इतनी चिक्कल मिट्टी है उधर से, गाड़ियाँ पंचर हो जाती है हमारी, रोड भी नहीं है एकदम बरोबर, ना लाइट है उधर। और ये 5 साल में विकास तो हुआ है, पर इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था विकास। मतलब ये 5 साल में यहाँ का कौन सी सत्ता थी? 5 साल में शिवसेना ही सत्ता थी, वार्ड नंबर 77 से हमारे। हाँ। उसमें दिवाकर ने जो काम किया उसने अच्छा काम किया ऐसे, पर काफ़ी काम ऐसे भी है जो पेंडिंग पड़े हुए। हमारी गली है, वो गली भी अभी तक नहीं हुआ अभी तक, इधर लाइट नहीं आई है बीच में। लाइट के लिए बोले थे आजू बाजू में लगा दिया उन्होंने, एक दो खंभे और बोले थे वो भी बाकी है, वो भी लगवाने थे यहाँ पे हमने। मतलब उन्होंने काम किया है पर 50% काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया, ऐसे नहीं कि नहीं किया है। कुछ काम ऐसे रह गए जो बाकी रह गए काम हमारे। अच्छा, तो रोड जो आपने हमने देखा कि रोड की हालत, रोड की तो ऐसी हालत है आदमी पैदल नहीं चल सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अभी चिक्कल में से बच्चे स्कूल में ट्यूशन पे जा रहे, चिक्कल में से निकल के जा रहे। हर साल की समस्या है ये, साल भर में जब से आया हूँ यहाँ से, जब से वही समस्या देख रहा हूँ यहाँ, समस्या ऐसी है। पर 5 साल में जब बारिश का टाइम आता है तो उसमें क्या होता है? बारिश के टाइम में तो घुटनों तक चिक्कल मिट्टी रहती है। तो आपने बोला कि नगर सेवक ने काम किया है बहुत अच्छा, तो ये विकास किया आपने? वो उस साइड का विकास जो क्या है वो देखने से पता नहीं चलता है ना, कोई बोल रहा है कि ये हमारा काम है, कोई बोल रहा है वो हमारा काम है, अभी तक वो काम किसी ने नहीं करके दिया हमारे। पर वार्ड तो 77 के, वार्ड 77 का ही आता है, नगर सेवक का हक होता है ना काम। वो कभी काम कर देते हैं, कभी छोटा थोड़ा कर देते, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, दिखाने के लिए काम करते हैं वो। ये तो अभी देखो, अभी बहुत काम तो बहुत पूरा पेंडिंग ही पड़ा हुआ रोड का। तो ये देखिए ये गली, आज तक इसने भैया गली किसने बना के दी नहीं, मैं सबको बोला उस, उधर एक लाइट का खंभा चाहिए था, लाइट लगाने को लाइट नहीं लगा के देता, रात भर मैं कोई नाइट से आता तो गिर जाता है इधर जो है ना, गटर टूटा हुआ है, कोई भी आने जाने में किसी को भी तकलीफ होती है, बारिश में पूरा पानी इधर भर जाता है, बास भी आता है। पर आपको यहाँ पे जो अभी आपके बाजू में बाथरूम दिख रहा है वहाँ पे आपकी लाइट्स नहीं है, गंदगी ज़्यादा है, गटर भरा हुआ है, तो इसमें आपका क्या कहना है? इसमें यही कहना है कि अपना साफ करने को है, कोई भी साफ करे, अपना साफ सफाई रहे, हम लोग उसी को वोट देंगे। तो इसके पहले आपने किस पार्टी को वोट दिया था? कौन मदद कुछ आपको खिचड़ी मिला या तो राशन सामग्री मिली? हाँ, मिला। तो किसी पार्टी ने दिया था? हाँ। कि किसी संस्था ने आपको दिया था? चर्च से हमको मिला था राशन, चरस से। हाँ, बहुत भरपूर राशन मिला था। जो नगर सेवक थे उन्होंने आपको कुछ मदद नहीं की? हाँ, यहाँ बस इतना चावल एक बार दो बार मिला था, बस इतना बस उतना हाँ। ही आपको दिया था, उसके हाँ। बाद आपको कुछ पूछा भी नहीं? कुछ नहीं, लोग पूछे सब लोग, आपको तकलीफ आपने? चर्च की तरफ से मिला राशन भरपूर। हाँ, आपको कुछ नहीं दिया? नहीं, इधर का कोई कुछ पूछने तक भी नहीं आया, मेरा रूम मालिक खुद ही है, लोग 4-4 रूम है, मगर कभी पूछना लॉकडाउन का भी पैसा हम लोग पूरा भरे, 1800 रुपया लेता है महीने का, लॉकडाउन का पूरा पैसा भर दी मैं, भले नहीं खाई मगर लॉकडाउन का पैसा पूरा भर दी मैं। कैसा भी बहुत तकलीफ हुई। हाँ? पर आपको यहाँ का नगर से पूछने भी नहीं, कोई मदद भी नहीं किया, कोई भी नहीं पूछा एक बार कि हाँ तुमको क्या हुआ, परेशानी क्या नहीं हुआ है? पानी का टेंशन बहुत है, 18-19 साल से ऊपर हो गया, 18-19 साल से हो गया। पर आपको यहाँ पे क्या क्या तकलीफें होती है? तकलीफें तो बहुत चीज का है, हर चीज का है, बता सकते हैं हमारे चैनल? पानी का टेंशन है, रूम का टेंशन है, रोड में पानी भर जाता है, बारिश में पूरा पानी भर जाता है। हाँ, लाइट वगैरह आपके यहाँ? लाइट तो है पर हाँ। पानी नहीं है, रोड भर नहीं है। हाँ। और शौचालय के लिए आपको बाहर जाना पड़ता? हाँ, बाहर जाता है, रूम है, बाथरूम मगर चालू सही से नहीं, पानी नहीं है तो चालू रह के क्या करेगा? पानी नहीं है तो आप बाथरूम ही नहीं जा सकते, वही बाथरूम कहाँ से कोई जाएगा अंदर? पर अभी इलेक्शन आने वाला है तो आपका क्या कहना है कि आप किसको वोट दोगे, जो काम करके देगा उसको वोट दोगे कि जो काम करके देगा हम लोग को मदद करेगा उसको?